रनिंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जॉइन इंडियन नेवी की वैकेंसी के बारे में, जो आपका नई वैकेंसी निकली है 2021 में 10+2 के आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, आप लोगों के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी बनाता रहता हूँ। मैं ऑल इंडिया की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं जिसकी सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो सके उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तलाश रहती है, वैकेंसी की तलाश रहती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड प्लीज़। और हम बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी निकली उसके बारे में, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और सारे महत्वपूर्ण लिंक, ऑफिशियल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, जो हमारी देख सकते हैं इंडियन आपको नेवी की ओवन ओशियन अपॉर्चुनिटी 10+2 बीटेक कैंडिडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन कोर्स कमीशन आपकी जुलाई 2021, ठीक है। तो लास्ट डेट है इसकी आपकी फॉर्म की भरने की 9 फरवरी 2021 आ रही है। आपको इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 29 तारीख जनवरी से, ठीक है। यहाँ पे जो वैकेंसी है, एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम अनमेरिट मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जो कि आप फुलफिलिंग कंडीशन ऑफ नेशनलिटी एस लेट डाउन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपका 10+2 बीटेक कैंडिडेट एंट्री स्कीम है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द एजुकेशन एग्जीक्यूटिव आप टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है, जो कि कोर्स होगा एट INA। ब्रांच वाइज आपको वैकेंसी देखने वाली है, एजुकेशन ब्रांच 5, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की 21 है। टोटल 26 पोस्ट हैं, ठीक है। ओनली वन एप्लीकेशन फिल्ड बाय कैंडिडेट, आप एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन को भर सकता है। कैंडिडेट में अप्लाई फॉर ब्रांच ए या बी या बोथ, ठीक है, या आप ए के लिए अप्लाई कर सकते हैं या बी के लिए, या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ नॉट शॉर्टलिस्ट द फर्स्ट प्रेफरेंस यू हैव कंसिडर अल्टरनेटिव ब्रांच सब्जेक्ट टू अवेलेबल ऑफ स्पेयर स्लॉट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आपकी जो एलिजिबिलिटी की बात करें फ्रेंड, कंडीशन एज की सबसे पहले देख लेते हैं। आपका जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 2002 से और 2 जनवरी 2004 के बीच में, ठीक है, इनके बीच में जो पैदा हुए हैं वो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, आपका SS आपका सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास 10+2 और उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन हो जाए एनी बोर्ड, आपको कम से कम 70% पास होना चाहिए। यहाँ पे 69.9 होगा वो नहीं चलेगा, 70% पूरे होने चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स PCM में आपके एटलीस्ट 50% होने चाहिए, इंग्लिश में आपके यहाँ पर आप देते 10th में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 70% जो मार्क हैं जो कि PCM में बोले गए हैं, ठीक है, और 50% जो मार्क्स बोले गए हैं आपके इंग्लिश में बोले गए, आपके 10th में हो या 12th में, इन दोनों में से किसी में आपके आपके 50% होने चाहिए। वो कैन अप्लाई यहाँ पे दे सकते हैं, वो कैन अप्लाई में देखिए JEE मेन 2020 फॉर BE BTECH के एग्जाम कॉल अप सर्विस कलेक्शन बोर्ड विल बी इशू, ठीक है। आप जिन्होंने JEE मेन दिए हैं वो उसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक के पब्लिश बाई NTA। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दे सकते हैं आपके, उसके बारे में आपको द ऑल कैंडिडेट रिकमेंड फॉर बाई SSB हैव टू गो अंडर मेडिकल आपको चेकअप होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप इसकी वेबसाइट देख सकते हैं। आपको रिलेक्शन ऑन हाइट परमिशन कैंडिडेट डोमिसाइल स्पेसिफाई रीजन और डिटेल विच यू अवेलेबल ऑन इंडियन की वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पे टैटू नहीं चाहिए। द नेवी ऑफिसर प्रोमोशन आपको देख सकते हैं, ऑफर यू प्रोमोशन पे अलाउंस बाकी यहाँ पे दे सकते हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आ रही है। और स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पे आपके बारे में आ रहा है तो उसके बारे में दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SSB जो सेलेक्ट करेगा आपके JEE मेन के ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, जो कि 900 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाए, ठीक है, SSB द्वारा। यहाँ पे इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल बेंगलोर भोपाल कोलकाता विशाखापट्टनम मार्च जून 2021 में। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट देयर सिलेक्शन फॉर SSB इंटरव्यू ऑन द ईमेल ID थ्रू SMS प्रोवाइडिंग बाय द कैंडिडेट देयर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यू आर एडवर्टाइज तो मेंटेन द योर मोबाइल नंबर ईमेल ID आपके होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं SSB इंटरव्यू विल बी कंडक्ट 2 स्टेज, आपके 2 स्टेज होंगे। स्टेज 1 टेस्ट कंसिस्टेंट ऑफ इंटेलिजेंसी पिक्चर परसेप्शन एंड ग्रुप डिस्कशन, कैंडिडेट हु फेल द क्वालिफाई स्टेज 1 विल, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, आपको सेम डे वापस कर दिया। स्टेज 2 आपका जो होगा कंप्राइज साइकोलॉजी टेस्ट ग्रुप टेस्टिंग इंटरव्यू विच भी आपको विल बी लास्ट 4 डे,
आपका सर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मेडिकल 3-4 दिन मेडिकल एग्जामिनेशन में जाना है, अप्रॉक्स 3-5 वर्किंग डे में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं चेंज ऑफ एसएसवी वेन्यू नॉट परमिशन, तो आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं एनी करस्पॉन्ड रिगार्डिंग फॉर एसएसवी डेट एड्रेस कॉल अप ऑफिसर द कंसर्ट एसएसवी, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा है आप इसके बारे में जान सकते हैं, ट्रेनिंग के बारे में आ रहा है, ठीक है, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में आ रहा है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में दे सकते हैं। आप सारे इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद ही यहाँ पे आप अप्लाई करें, ठीक है। योर अप्लाई सब्जेक्ट इज सब्सिक्वेंटली आपका स्क्रूटनी, द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड इफ आप एलिजिबल पाए जाते हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग एप्लीकेशन नो रिक्वेस्ट टू बी इंटरटेन, आपको उसके बाद आपको कोई इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जानकारी है, तो आपकी जो मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। फ्रेंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। इसके ऑप्शन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। अपने फ्रेंडों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कुछ जानकारी चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप कर सकते हैं, या मेरी सोशल मीडिया है उन पर आप नीचे दिए गए लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।